आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर सच्चे दोस्त को हम कैसे पहचाने। मतलब सच्ची मित्रता की पहचान क्या होती है, इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी डाले हैं और वापस डाल रहे हैं, जो कुछ नए पॉइंट्स जो हमारे दिमाग में आते हैं। आज के समाज में भले ही सच्चे और अच्छे मित्र बड़े मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन जिसको भी इस तरह के मित्र मिलते हैं उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मित्रता का बंधन एक ऐसा बंधन होता है जो सबसे अलग होता है, जिसमें कोई लेन देन नहीं होता। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिनसे हम सच्ची मित्रता के बारे में जान सकते हैं। देखिए, पहली चीज़, सबसे पहले अगर आपको कोई सच्चा मित्र है तो कभी भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। मतलब जैसे कि अगर आप दोनों मिलकर कुछ भी कर रहे हैं तो एक सच्चा मित्र कभी भी खुद को अच्छा और आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। यही सच्चे मित्र की एक सबसे बड़ी पहचान होती है। सच्चा मित्र अपने दोस्त के साथ अच्छा व्यवहार रखता है। सच्चा मित्र कभी भी मतलबी नहीं होता है। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने मतलब के लिए दोस्त को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एक सच्चा मित्र कभी भी अपने फायदे के लिए अपने मित्र को नुकसान नहीं पहुंचाता है। सच्चा मित्र तो ऐसा होता है कि भले ही उसके साथ कुछ अच्छा ना हो, अपने दोस्त के साथ वो बहुत कुछ अच्छा करता है। यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। एक सच्चा मित्र जो होता है वो कभी भी अपने दोस्त को कुछ बहुत ज़्यादा भला नहीं करता है। यानी कि जैसे कि बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में अपने दोस्तों की मदद करते हैं, वो उनको पास करवाने के लिए नकल करवाते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी एक गलती आपके दोस्त की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। तो एक सच्चा मित्र अपने दोस्त को सही तरह से पढ़ाई करने के प्रति जागरूक करता है। वो कभी भी अपने दोस्त को इस तरह की नकल नहीं करवाएगा। एक सच्चा मित्र अपने साथ सिर्फ टाइम पास के लिए दोस्ती नहीं करता है, वो अपने दोस्त के लिए दोस्ती रखता है। बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय गुजारने के लिए यानी कि सिर्फ टाइम पास के लिए अपने दोस्तों से मित्रता रखते हैं, और जब उनका टाइम पास करने के लिए कोई और व्यक्ति मिल जाता है तो उसे दोस्ती तोड़ देते हैं। इस तरह के दोस्त कभी भी सच्चे मित्र नहीं होते। एक सच्चा मित्र हमेशा दोस्त के साथ रहता है और उसका हर तरह से सहयोग करता है। एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त को सही राह पर चलने की सलाह देते हैं। अगर उनका दोस्त किसी गलत राह पर चलता है तो भले ही वह उसके सामने बुरे साबित हो, लेकिन एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त को गलत काम करने के लिए रोकता है। यही एक सच्चे मित्र की पहचान होती है। सच्चा मित्र कभी भी आपकी बात के बीच बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। आज के जमाने में बहुत सी जगह देखा जाता है कि एक मित्र दूसरे मित्र की बातचीत के बीच में बाधा उत्पन्न करता है। वह बेवजह उसके साथ बहस करता है, बहस पे पड़ जाएगा, इससे दोनों के रिश्ते तो खराब होते ही हैं, साथ में हम एक मित्र को भी खो देते हैं। और एक सच्चा मित्र हमेशा अपने दोस्त के साथ या दोस्त की बात पूरी तरह से सुनते हैं और सुनने के बाद विचार विमर्श करने के बाद ही वो इस बात के परिणामों के बारे में बात करते हैं। वो बीच में उस बात को काटेंगे नहीं, रोकेंगे नहीं, पहले सुन लेंगे। यही एक सच्चे मित्र की निशानी है। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र की पीठ पीछे बुराई नहीं करता। आज के ज़माने में अक्सर देखा जाता है कि बहुत से मित्र ऐसे होते हैं जो अपने फायदे या सिर्फ मनोरंजन के लिए अपने एक मित्र की पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो ऐसे मित्र से तो दुश्मन ही अच्छे होते हैं। एक सच्चा मित्र कभी भी अपने मित्र के पीठ के पीछे बुराई नहीं करता है। अगर उसके दोस्त में कोई बुराई होती है तो बुराई अपने दोस्त को सामने बताता है और अपने दोस्त से उस कमी को दूर करने के लिए कहता है। ये सच्चे मित्र की निशानी है। एक सच्चा मित्र हर सुख और दुख में हमारा साथ देता है। आज के समय में हम बहुत से ऐसे दोस्त को देखते हैं जो सुख में तो साथ देते हैं, लेकिन दोस्त के पास दुख आते ही वो अपने दोस्त से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी एक सच्चे मित्र की निशानी नहीं है। एक सच्चा मित्र जीवन में हमेशा अपने दोस्त के साथ सुख और दुख हर तरह की परिस्थिति में साथ देता है और कभी भी परिस्थिति से भागता नहीं।
ये सच्चे दोस्त की निशानी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।